यूपी के बाराबंकी शहर में एक बड़ा हादसा सामने आया है और ये दुखद हादसा एक स्कूल बस के साथ हुआ है जिसमें 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मृत्यु हो गई। जी हाँ, 5वां व्यक्ति एक बाइक सवार है जिसको बचाने के चक्कर में बच्चों से भरी हुई बस पलट गई और इस पलटी हुई बस की चपेट में और इस बस के अंदर बैठे हुए 4 मासूम बच्चों की मृत्यु हो गई। दरअसल ये पूरा हादसा बाराबंकी में हुआ। बस लखनऊ चिड़ियाघर से बाराबंकी जा रही थी। पार्षदीय विद्यालय के बच्चे मंगलवार को चिड़ियाघर घूमने आए थे, इसीलिए वो लखनऊ गए थे। लखनऊ से लौटते समय शाम के समय तेज रफ्तार बस वापस स्कूल को जा रही थी, तभी सामने बाइक सवार आ गया। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित हो गई और उसने पहले तो बाइक सवार को टक्कर मारी और उसके बाद बस पलट गई। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई है, वहीं दूसरी ओर बस में बैठे हुए 4 बच्चों की दुखद मौत हो गई है, जबकि 12 बच्चों की हालत बेहद गंभीर है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल परिषदीय विद्यालय के बच्चे मंगलवार को लखनऊ चिड़ियाघर गए थे और वहां पर कई घंटे बिताने के बाद शाम को वापस स्कूल जाने लगे। स्कूल जाने के लिए लखनऊ से वो समय से निकले थे, लेकिन करीब 4 बजे के आसपास बाराबंकी से आगे बढ़ते ही ये दुर्घटना हो गई। बताते हैं कि लौटते समय स्कूल बस बाइक सवार को टक्कर मारते हुए अनियंत्रित होकर पलट गई और करीब 50 मीटर तक सड़क पर ही खिसकती हुई चली गई। इससे पूरे कांच टूट गए और 4 बच्चे इस हादसे में खत्म हो गए। इस हादसे में न सिर्फ 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मृत्यु हुई है, बल्कि 12 बच्चे भी गंभीर रूप से चोटिल हैं, बाकी मामूली रूप से घायल हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बस में 42 बच्चे सवार थे और ये सभी विकास खंड सूरतगंज के थे, जहां पर हरक्का के कंपोजिट विद्यालय के बच्चे चिड़ियाघर घूमने के लिए गए थे। उनके साथ में कुछ टीचर भी थे। वहीं वापस जाते वक्त बाराबंकी के देवा इलाके के सलारपुर गांव के पास अचानक सामने से बाइक सवार आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में बस चालक के हाथ से स्टीयरिंग फिसल गई। बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण करीब 50 मीटर तक ब्रेक मारने के बाद भी बस नहीं रुकी और बाइक सवार को टक्कर मारते हुए पहले तो पलट गई और 50 मीटर से ज्यादा तक घिसकती हुई चली गई, जिसके चलते बच्चे चपेट में आ गए। फिलहाल जिन घरों के बच्चे हैं उनकी जानकारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक बच्चों की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। टीचरों को बुला लिया गया है। घायल बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवा में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल बच्चों को जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं SP दिनेश कुमार सिंह ने बताया है कि हादसे में अब तक 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। बाकी मौके पर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर स्थानीय लोगों की मदद से बस को सीधा कर लिया है और उसके बाद पूरी जांच व्यवस्था बैठा दी गई है। जल्द ही हादसा कैसे हुआ इसका टेक्निकल मुआयना करके पूरी स्थिति को साफ किया जाएगा। लेकिन इस दुखद हादसे को लेकर के CM योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है और ये कहा है कि घायलों की हर संभव मदद की जाएगी। दुख जताते हुए उन्होंने मासूम बच्चों की मृत्यु पर भी दुख जताते हुए कहा है कि इस हादसे के वक्त मेरी संवेदनाएं बच्चों के परिवारों के साथ हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। क्या कार्रवाई हो रही है? आज शाम लगभग 5:30-6 बजे के बीच देवा फतेहपुर रोड पर एक बस, जो कि फरक्का स्कूल है सूरतगंज का फरक्का, वो अपने शैक्षणिक भ्रमण पर गई थी लखनऊ बच्चों के साथ और कुछ टीचर भी थे। वो जब वापस जा रही थी तो देवा से फतेहपुर के पास सगारपुर एक जगह है, वहाँ पर अचानक से एक बाइक आ गई। उस बाइक को बचाने के क्रम में वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कुछ लोग इसमें इंजर्ड हैं और 4 लोगों की मृत्यु अभी तक रिपोर्टेड है। सभी को, जितने भी घायल हैं उनको समुचित एवं सघन चिकित्सा हेतु तुरंत इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है और तुरंत वहाँ पे चिन्हित कार्रवाई हो रही है, ठीक है। और बस को भी, जो भी अन्य लोग हैं, इनके बारे में पूछताछ की जा रही है। सभी, सबसे पहले प्राथमिक उपचार सभी को यहाँ पे दिया गया CHC में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी इनको सघन चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है।